दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शन अब खत्म होने को है। सिर्फ एक हफ्ते बाद इस इलेक्शन के रिजल्ट्स 4 जून को हमारे सामने होंगे और ये तय होगा कि पीएम की गद्दी का ताज किसके सर सजेगा। लेकिन एक चीज है जो पहले से ही तय है, किंग चाहे कोई भी हो, किंग मेकर होंगी भारत की क्वींस। इलेक्शन 2024 का फीमेल फैक्टर, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगल सूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। और जितनी मेरी मां बहने हैं उनके लिए मैं बता दूं, बड़े इंतजार कर रही थी मेरा, मैं आ गया। अब आपके हजार हजार रुपए महीना भी शुरू करूंगा बड़ी जल्दी, चिंता ना करना। हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। इस चुनाव में लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी के स्टार कैंपेनर्स ने अपने भाषणों में फीमेल वोटर्स को स्पेसिफिकली एड्रेस करने की कोशिश की है, उनके मुद्दों पर बात करने की कोशिश की है। फीमेल वोटर्स को परसुएड करने की इस कोशिश में नेताओं के भाषणों में मंगलसूत्र, चांदी सोना, 8,500 रुपये प्रति माह, तो कहीं 1,000 रुपये प्रति माह की बातें होने लगी। 4 जून को इस बात का फैसला होगा कि देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर किसके सर ये ताज सजेगा। लेकिन एक बात का फैसला हो चुका है, फैसला ये कि इस बार देश की सरकार बनाने में फीमेल वोटर्स का हाथ सबसे आगे रहेगा। SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले साल 2024 के लोकसभा चुनावों में फीमेल वोटर्स की संख्या सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। अभी 6 चरण का मतदान हो चुका है, आज से लगभग ठीक एक हफ्ते बाद देश के प्रधानमंत्री का चुनाव 4 जून को हो जाएगा। लेकिन अभी तक के मतदान के मुताबिक पहले 4 फेजेस में लगभग 90 लाख से ज्यादा फीमेल वोटर्स ने एक्स्ट्रा मतदान किया साल 2019 के मुकाबले। इस रिपोर्ट में स्टडी की गई 373 लोकसभा सीट्स में से 270 लोकसभा सीट्स ऐसी हैं जहां पर फीमेल वोटर टर्नआउट साल 2019 के मुकाबले बढ़ा है। इन नंबर्स, ये इंक्रीज मोर देन 95 लाख वुमेन का है, जबकि मेल वोटर्स में ये इंक्रीज फीमेल वोटर्स से कम 84.7 लाख का है। अब देश की महिलाएं किस पॉलिटिकल पार्टी और कौन से नेता को अपना समर्थन देती हैं, ये बात तो 4 जून को ही पता चलेगी। लेकिन एक बात है जिस पर सवाल करना जरूरी है, क्या इन बढ़ती फीमेल वोटर्स का नंबर सिर्फ एक जनसंख्या की वृद्धि का उदाहरण है, या फिर वाकई में महिलाओं के जीवन में पॉलिटिकली कुछ बदलाव आया है? क्या महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में और चुनाव में ज़्यादा बढ़ी है या नहीं, ये समझने के लिए हमने दिल्ली और देश की महिलाओं से बात की। नहीं, कोई बदलाव नहीं आया, इसीलिए मैंने इस बार जो है वो दूसरी पार्टी को वोट कर दिया। मेरी दादी जी भी गांव में सबका फायदा उठा रही हैं, सबका मतलब उन योजनाओं का फायदा उठा रही हैं, तो इसीलिए ये सब देखकर कि हाँ, पहली बार कोई सरकार है जो सच में काम कर रही है। हमें तो बहुत टाइम हो गया, हमने वोट ही नहीं किया। नहीं किया क्यों नहीं किया? महंगाई इतनी बढ़ रही है कि नेताओं से तो उम्मीद ही उतर गई है। जो पहले की लेडीज थी उनके हस्बैंड, उनके पेरेंट्स उनको हर चीज के लिए रोका टोकी करते थे, पर अब की जो लेडीज है, गर्ल्स हैं, उनमें इतना मैनेज हो चुका है कि वो हर अपना फैसला खुद से कर सकती हैं। अब लड़कियों ने कहा कोई बनवाता है, कहीं बनता है, कहीं नहीं बनता है, यही होता है ना। अब पति होएगा तो वो ध्यान देगा कि मेरी घरवाली पे ये नहीं है, मेरे घरवाली पे ये नहीं है। माँ बाप इतना ध्यान थोड़ी देते हैं कि मेरी बेटी पे ये सवाल नहीं है, यही होता है ना। लास्ट टाइम जैसे कि वोट किया था तो मुझे लगता था कि हाँ इम्प्रूवमेंट होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस टाइम फिर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया प्रोस्पेक्टिव, जिसको मुझे वोट देना था मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए, लेट्स सी क्या होता है फॉर फ्यूचर। मुझे लगता है साइज अब सुनेगी, क्योंकि पहले तो बहुत कम है, अभी तो थोड़ा मतलब बहुत डेवलप हो रहा है अभी, तो पहले तो बिल्कुल नहीं था, तो पहले मतलब ही है, मतलब सेल्फिश होता है ना एक वे, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि अब डेवलप होगा। ऐसा भी होता है कि उनका कभी कभी इतना रुचि नहीं लेती हैं वो ऐसे पॉलिटिकल टॉपिक्स पे,
तो, या फिर उनको थोड़ी कम समझ रहती है या कोई ज़्यादा सर्कल में ऐसी बातें नहीं होती होंगी, तो वही है। वैसे तो आदमी लोग भी कोई कोई होते हैं जो नहीं जाते, तो वैसी लड़कियों का भी है, पर अब तो सब वैसे अवेयर हो चुके हैं। 1952 से लेकर के अभी तक के अगर वोटर टर्नआउट की हम बात करें तो वुमेन और मेन के जो पार्टिसिपेशन का जो गैप था वो 1952 में और 57 में लगभग 17% और 11% का था, फिर उसके बाद डिक्लाइन हुआ 1967 में, 1971 में गैप थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर उसके बाद 1991 से लगातार मेन और वुमेन का जो डिफरेंस है वो लगातार कम होता गया है और वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता गया है, और ये खास तौर से ज़्यादा हम देखते हैं 1991 के बाद से और स्पेशली 2004 के बाद से और 14 के बाद से और ज़्यादा, कि वुमेन और मेन का जो गैप था वोटर टर्नआउट का वो बहुत कम हुआ है। अल्टीमेटली 2019 में जा करके ये वुमेन का जो वोटिंग टर्नआउट है वो मेन से ज़्यादा हो गया है। वुमेन वोटर्स हैं वो ज़्यादा रैशनल वोटर्स हैं कंपेयर टू मैन। मैन जो है वो ज़्यादातर इमोटिव इशूज़ पे वोट करना उनकी टेंडेंसी होती है, इमोटिव इशूज़ भी इंक्लूडेड होते हैं, जबकि कि वुमेन का अगर हम देखेंगे तो उसमें गवर्नेंस स्पेशली बेनिफिशियरी स्कीम्स है, एजुकेशन का एक इशू है, तो अगर हम कहें कि वुमेन जो है वो ज़्यादा रैशनल वोटर्स हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिटरेसी रेट बढ़ा है, मीडिया एक्सपोजर बढ़ा है, बेनिफिशियरी स्कीम्स आई हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स आर ब्रिंगिंग मोर नंबर ऑफ वुमेन टू द पोलिंग बूथ्स ड्यूरिंग इलेक्शन। आपकी स्क्रीन पर लगे एक बार इस मैप को देखिए। इस मैप के अंदर देश के लोकसभा चुनावों में पिछले कुछ सालों के अंदर मेल वोटर टर्नआउट और फीमेल वोटर टर्नआउट के बीच के गैप को दिखाया गया है। आप देख पाएंगे कि हर लोकसभा चुनाव के बाद ये गैप धीरे धीरे कम होने लगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मेल और फीमेल वोटर टर्नआउट लगभग बराबर रहे, लेकिन अब एंटिसिपेशन ये है कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों में हो सकता है कि महिला वोटर टर्नआउट मेल वोटर टर्नआउट से ज़्यादा रहे। एटलीस्ट फेज फोर तक के जो आंकड़े हैं वो तो यही दर्शा रहे हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि देश की प्रधानमंत्री की गद्दी का किंग चाहे कोई भी हो, लेकिन क्वीन मेकर्स देश की क्वींस होंगी। लेकिन सोचना ये भी होगा, क्या वाकई में बढ़ते नंबर्स के साथ देश की महिलाओं के पॉलिटिकल इश्यूज़ को एड्रेस करना पॉलिटिक्स ने शुरू किया है या नहीं। इस स्टोरी में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्ष शर्मा।